उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें और फॉलो करें इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोबारा से सब्सक्राइब करें, अगर नहीं सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नेम है बेसिक लॉज ऑफ मैथ। आज हम बेसिक लॉज मैथ के डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आज दो हमारे पास हैं, एक कम्यूटेटिव और दूसरा अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। दोनों लॉज हम मल्टीप्लिकेशन की रूह से भी पढ़ेंगे और एडिशन की रूह से भी पढ़ेंगे। पहला हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि आप नंबर्स को किसी भी पोजीशन पर लिख सकते हैं, उनके नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। इफ़ वी एक्सचेंज नंबर्स ओवर एंड ओवर गेट द सेम आंसर। अगर हम नंबर्स को चेंज करते रहे हैं, कभी एक नंबर को पहले, दूसरे नंबर को बाद में, फिर दूसरे को पहले और पहले को बाद में कर लें, लेकिन जब हम इसे ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास हमेशा सेम आएगा। और इसी लॉ में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम किसी भी रूल किसी भी तरीके से नंबर लिखते, आंसर सेम आएगा। इन दिस लॉ ऑर्डर डज नॉट मैटर। व्हेन यू ऐड अप नंबर्स यू विल ऑलवेज गेट द सेम नंबर। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप हर वक्त आंसर सेम मिलेगा। और इसका एक और नेम है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़े हैं, इसमें दोनों, इसमें चाहे आप जिस भी नंबर को पहले बाद में लिख लें, आंसर सेम आएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता और इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, तो तब इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका आगे एग्जांपल है कि हमारे पास ए 6 है और 3 बी 3 है, दोनों को ऐड करें, चाहे 3 बी को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें, आंसर सेम आएगा दोनों का 9 9। अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस जी। तीनों को जिस भी पोजीशन में लिख लें, आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम, जिसको हमने प्रूव किया है आगे एग्जांपल के जरिए कि x is equal to 5 हो, y is equal to 1 हो और z is equal to 7, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हमने x plus y plus z में वैल्यूज पुट कर दी तो आंसर फिर भी 13 आया, फिर हमने z plus x plus y में वैल्यूज पुट की तो आंसर फिर सेम आया 13, फिर हमने y plus x plus z में वैल्यूज पुट करी तो आंसर फिर आया सेम, जो कि है 13। के ऑर्डर कोई भी रख लें, लेकिन आंसर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब उसमें एडिशन था, इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एडिशन से मिलता जुलता ही है। उसमें प्लस हम ऐड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप किसी भी नंबर को पहले लिख लें, दूसरे नंबर को बाद में लिख लें, आंसर क्या आएगा, सेम। इट इज एन अरिथमेटिक लॉ दैट सेज इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर यू मल्टीप्लाई नंबर्स। कि किसी भी ऑर्डर से आप मल्टीप्लाई करें, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। इट इज वेरी सिमिलर टू द कम्यूटेटिव एडिशन लॉ। ये कम्यूटेटिव एडिशन लॉ से मिलता जुलता है। क्या कहा, इट इज एन अरिथमेटिक लॉ दैट सेज इट डज नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर यू मल्टीप्लाई नंबर्स यू ऑल will always get the same answer. It is very similar to the commutative addition law. If two terms, then the formula is follows: a multiplied by b is equal to b multiplied by a. अगर a 3 हो और b 5 हो तो then a multiplied by b का आंसर भी 15 आएगा और b multiplied by a का भी आंसर 15 आएगा। इससे हम, अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं तो हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मल्टीप्लीकेशन में साइन स्टेरिक या मल्टीप्लाई दोनों सेम है,
x steric y steric z, z steric x steric y is equal to y steric x steric z. अगर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x is equal to 4, y is equal to 3 and z is equal to 16. तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो आपके सामने देखिए देख लें कि जब को 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया. फिर हमने z पहले है, z की वैल्यू 6 है, x बाद में है 4 और y बाद में है 3. 6 4 the 24 and 24 3 the 72. फिर 4 3 the 12 and 12 6 the 72. तो प्रूफ हो गया कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, कम्यूटेटिव लॉ में चाहे ऑर्डर चेंज कर लें लेकिन आंसर सेम आएगा. और इसे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कहते हैं कम्यूटेटिव. आगे है कम्यूटेटिव परसेंटेज. बिकॉज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a. अगर a मल्टीप्लाई बाय b दोनों इक्वल हैं तो देन हम लिख सकते हैं कि a परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a. आगे हमारे पास a है 8 और b है 50. तो अगर a की जगह पे 8 पुट किया, b की जगह पे 50 पुट किया, जब हम 50 का भी 8% लेंगे तो आंसर 4 आएगा. जब 50% ऑफ 8 लेंगे तो तब भी आंसर 4 आएगा. तो इसमें कम्यूटेटिव परसेंटेज भी प्रूव होगी. आगे हमने पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स दैट आर एडेड टुगेदर डज नॉट चेंज देयर सेट. अगर हम कम्यूटेटिव लॉ में भी ऑर्डर्स चेंज करते थे आंसर सेम आता था. अगर एसोसिएटिव लॉ में हम नंबर्स की ग्रुपिंग भी चेंज करते हैं और उनको ऐड करते हैं तो उसका सम चेंज नहीं होगा. इट डज नॉट मैटर हाउ वी ग्रुप द नंबर्स. इसमें मैटर नहीं करता कि हम ग्रुप को हम बना रहे हैं. अनदर नेम दिस इज आल्सो कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव में क्या कहा था, ऑर्डर प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या कह रहे हैं, यह है अगर हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो a plus b plus c, a plus b into plus c और a बाहर आएगा plus b plus c. तो जब हमने इनकी भी examples के a हमारे पास 6 है, b 3 है और c 4 है. तो जब हमने put करेंगे तो 6 plus 3 9 plus 4 13, दूसरी side पर भी 3 plus 4 7, 7 plus 6 13. Associative law of multiplication is similar to the law of addition. तो associative law of multiplication किससे similar है? Addition से. It says that no matter how you group numbers, you are multiplying together, you will get the same answer. Difference क्या है? कि वो add करना था, यहाँ पर हमने multiply कर देना है, इसलिए दोनों एक दूसरे के same हैं. क्या है associative law of multiplication? The associative law of multiplication is similar to the same law for addition. It says that no matter how you group numbers, you are multiplying together, you will get the same answer. बस तीन terms हैं तो a multiply by b multiply by c. पहले a multiply by b को bracket में लिख दिया, फिर b multiply by c को. तो हमने इसकी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया, हमने इनकी ग्रुपिंग को चेंज कर दिया. लेकिन इनका ग्रुपिंग को चेंज करने से इनकी मल्टीप्लिकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमें एग्जांपल लिखते 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3. पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ग्रुप बन गया, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का ग्रुप बन गया. तो 4 2 द 8 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24. 4 3 द 12 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24. Example, 2 plus 4 plus 5 or 6 plus 5 is equal to 11. पहले हमने 2 plus 4 का एक ग्रुप बना दिया और बाद में 4 plus 5 का ग्रुप बना दिया, लेकिन दोनों में आंसर क्या आया, सेम आया. Next example में 3 multiply by 4 का पहले ग्रुप बनेगा, फिर 4 multiply by 5 का. जब हम इसको simplify करेंगे आंसर दोनों का 60-60 आ रहा है. किस तरह, 3 multiply by 4 is equal to 12, 12 multiply by 5 is equal to 60. 3 बाहर, 4 multiply by 5 is equal to 20, 23 the
60. तो आंसर क्या? तो एसोसिएटिव लॉ में टर्म्स की हम जगह चेंज करते थे तो आंसर सेम आएगा, चाहे एडिशन है चाहे मल्टीप्लिकेशन है. और कम्यूटेटिव लॉ में ये किया, एसोसिएटिव लॉ में हमने क्या किया कि चाहे हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, ग्रुपिंग आगे पीछे कर दें, लेकिन आंसर चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों सूरत में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. आगे एक एग्जांपल है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल किसके आएगा. तो आपको पता है 5 माइनस 2 माइनस 9 नहीं है आएगा, क्यों, ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा. नेक्स्ट है बी मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9, तो इसके इक्वल भी नहीं आ सकता. नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्रुप प्लस मल्टीप्लाई बाय 9. तो इससे आपको सब पता लग गया कि पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की ग्रुपिंग है, तो अब पहली 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की ग्रुपिंग है, तो ये सेम हो जाएगा और डी भी गलत होगा. तो सी करेक्ट आंसर आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9. तो कौन सा ला लगा, ला. यहां तक वीडियो का एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम दो मजीद लॉज को डिस्कस करेंगे. उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों को खुश रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, करना मत भूलें. गुड बाय, अल्लाह.